अभी ऐसा नहीं जो मैं खाली गाड़ी चलाता हूँ, मैं बाइक भी चलाता हूँ और अभी फिलहाल मैं बाइक राइड कर रहा हूँ। तो भाई अभी आप देख रहे होंगे जो मैं चला रहा था बाइक, अभी फिलहाल मैं फिर मैं गाड़ी अपना ले लिया खाली। कल से गाड़ी यहीं पर पड़ा हुआ था तो अंधेरा थोड़ा सा काला आ रहा और पूरा दिन आज को मेरे को बाहर निकलना था ऑफिस के काम से, तो मैं आज को काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। तो अभी निकल पड़े हैं घर के तरफ, अभी जस्ट गाड़ी में बैठे हैं। तो अभी भी मेरा घर यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर जाना है। हालत एकदम बिगड़ा हुआ है, मैं क्या बताऊँ। अभी आज को इतना ज्यादा गर्मी है, कलकत्ता में टेम्परेचर इज 40। तो चलिए चलते हैं घर के तरफ, बाइक रख दिए, गाड़ी में बैठ गए, एसी पूरा ऑन है लेकिन तब पर भी गर्मी नहीं जा रहा है। एसी को 23 में सेट करके रखे हैं, 23.5 में है, लेकिन अंदर तो भाई रे भाई इतना ज्यादा गर्मी है क्या बताएं। अंधेरा हो गया, नाउ द टाइम इज 6:37। चलते हैं घर के तरफ जितना जल्दी हो सके, खाली भगवान का यही मनाएंगे आज को ज्यादा ट्रैफिक ना मिले। चल, इतना ज्यादा गर्मी है ना, मैं तो गाड़ी में एकदम पसीना पसीना हो गया। इतना देर तक मैं बाइक चला रहा था, इससे पहले भी मैं बाइक ही चला रहा था तो अभी, लेकिन आज को मेरे को ऑफिस के काम से थोड़ा सा बाहर जाना था तो मैं लगभग 80 किलोमीटर आज को बाइक चलाया था। मेरा हालत खराब, अब मैं गाड़ी को ले लिया हूँ और वहाँ गाड़ी में नहीं लेके जा सकता था। क्यों मैं आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ गया था वो एक फैक्ट्री था, फैक्ट्री मेरे को विजिट करना था, इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। कभी एक दिन अलग से बताएंगे क्यों किस लिए क्या काम करता हूँ। जब भी आप लोग थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करना, जो अगर जानना चाहते हो तो, वरना ठीक है छोड़ो। तो मैं वहाँ गाड़ी लेके नहीं जा सकता था क्योंकि फैक्ट्री में अगर गाड़ी लेके जाते हो ना, अपना काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होता है, एंट्री कराना, परमिशन लेना। तो आज को उस झंझट से मैं बचने के लिए मैं क्या किया, मैं अपना बाइक उठा लिया। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगा काफ़ी ज़्यादा गलत डिसीजन हो गया। एक दिन में इस गर्मी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड में 80 किलोमीटर बाइक चलाना नॉट द मैटर ऑफ जोक, जो मेरे को अभी समझ में आ रहा है। मैं अगर दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले लेता तो इट विल बी बेनिफिशियल, बट अभी ठीक है जो है सो है, क्योंकि बाइक चलाना भी मेरा नशा है। तो बाइक का भी आज को अच्छा खासा 80-85 किलोमीटर बाइक भी चला लिए, गला भी बैठ गया इतना ज्यादा, मतलब लग रहा है बॉडी पूरा डिहाइड्रेट हो गया। तो अभी फटाफट, अभी तो बस 3 किलोमीटर आए हैं गाड़ी लेने के बाद, अभी भी 8-9 किलोमीटर जाना है खाली। ट्रैफिक नहीं होना चाहिए आज को, फिर देखा जाएगा। दूसरे जब मौसम रहता है तो मैं जब भी 30-40 सेकंड का सिग्नल होता है तो मैं इंजन ऑफ कर देता हूँ, लेकिन इस गर्मी का टाइम पे मेरे को, सही बताऊं, आई एम अफ्रेड, मेरे को साहस नहीं हो रहा जब मैं अपना एसी बंद कर दूं। तो मैं बोला चलो यार तेल जलेगा जलेगा, जलने दो थोड़ा सा, पहले तो खुद को बच ले फिर देखा जाएगा। तो फिर सिग्नल हो गया है, चलो निकल लेते हैं। भाई अगर मेरे पास कभी पैसा हुआ ना, मैं पहले जाके क्या खरीदूंगा पता है, मैं खरीदूंगा फॉर्चूनर, क्योंकि फॉर्चूनर फॉर्चूनर है। और जिस तरह का लॉन्ग ड्राइव मैं करता हूँ विद फैमिली, मेरे को इसी साइज का एक बड़ा गाड़ी जिसका कैपेबिलिटीज 4x4 हो, उस तरह का मेरे को गाड़ी चाहिए, फिर आप निडर कहीं भी जा पाओगे। लेकिन पता नहीं कब होगा, तो जब तक नहीं होता है, अपना एटियाना है ना, इसी से काम चला लेंगे। गजब का गाड़ी है भाई, मेरा कश्मीर सीरीज देख रहे हो, अगर नहीं देख रहे हो तो जाके लिंक पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, क्या गजब का ड्राइविंग है भाई। एक एक दिन में 1200 किलोमीटर कवर किया हूं मैं इस एटियाना से। माइलेज वालेज को अब जो भी हो वो वीडियो आने वाला है वो भी देखना मत भूलना। मैक्स टीएमटी बार आपका निर्माण कार्य चुनने एक सठिक प्रयोजनीय टीएमटी बार जहां अपना बाड़ी के दाय जीरो दिन सपोर्ट তাই বাড়ি নির্মাণের রডে জগতের একটাই ভরসা। दोस्तों तो फाइनली होंडा ने कुछ काम किया है। होंडा ने अपना एलिवेट जो बेसिकली क्रेटा का राइवल होगा वो आज को अनवील किया है। तो आप एक बार जाके किसी भी साइट पे जाके चेक कर लेना, काफी मेरे को तो अच्छा लगा है। थोड़ा बहुत देखने में बड़ा मैग्नेट, निसान मैग्नेट है, उसका बड़ा भाई जैसा लग रहा है। तो चलिए यही करते करते सिग्नल हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। क्या गाना है यार, ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है, पता नहीं मेरे को काफी अच्छा लगता है। इससे ज्यादा नहीं सुना पाऊंगा, कॉपीराइट आ जाएगा।
ब्रीजा का जो सर्विस इंटरवल वो होता है 1 साल या फिर 10,000 किलोमीटर, लेकिन इस बार तो मैं कश्मीर ट्रिप में गया, लद्दाख ट्रिप में गया, तो उसी में 5,500 किलोमीटर हो गया, उससे पहले थोड़ा सा चला था, तो मैं कराया था 20,000 में, तो अभी हो गया 27,300, तो मतलब और 2,500 में गाड़ी का सर्विस भी ड्यू हो जाएगा। उससे पहले मैं करा लूंगा, वायल चेंज करना जरूरी है, एयर फिल्टर एसी फिल्टर दोनों चेंज करा लेंगे इस बार, क्योंकि काफी ज्यादा धूल मिट्टी में ट्रेवल किया है इस बार। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं घर, अभी घर में तुरंत ऊपर चलते हैं और चल के यार थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। आज को तो दिन मतलब क्या है बताऊं, इतना ज्यादा हेक्टिक गया, काफी दिनों बाद इतना ज्यादा हेक्टिक मेरा दिन गया है ऑफिस में, बट नेवरदिलेस ठीक है, काम तो करना है क्योंकि यही रोजी रोटी है। तो और ये वीडियो इस तरह का व्लॉग अगर अच्छा लग रहा है, इस लास्ट जो मेरा जो व्लॉग आया था डेली व्लॉग, वो आप लोग काफी ज्यादा पसंद किए हो ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, और वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा है तो बिल्कुल कमेंट करके बताना ठीक है, कमेंट मस्ट है। अगर अच्छा नहीं लगता इस तरह का वीडियो, आप जिस दिन कमेंट करके बोलोगे नहीं इस तरह का वीडियो नहीं चाहिए, उस दिन मैं तुरंत बंद कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आप लोग वीडियो देखोगे नहीं तो मैं वीडियो बना के करूंगा क्या। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि ड्राइविंग से रिलेटेड भी होगा, और आपका जो ब्लॉग होगा वो कश्मीर सीरीज भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी होगा, क्योंकि एडिटिंग का टाइम मेरे को मिल नहीं रहा है, और साथ में गाड़ी का ड्राइविंग सीरीज, गाड़ी रिलेटेड सीरीज भी एक आ चुका है, हाईवे के ऊपर मैं एक अच्छा वीडियो बनाया हूँ, वो मस्ट चेक करना, वो काफी बेहतरीन काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो वो जाकर चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।